length of mirror required for a person to view his full image, और कौन सा पार्ट, जैसे मान लो ये मिरर है, एक पर्सन है 2 मीटर लॉन्ग, मिरर बड़ा है, पर्सन इज 2 मीटर लॉन्ग, ये मान लो इसका यहां पर हेड दे रखा है H एंड दिस इज आई ई, दिस पर्सन दिस इज हेड दिस इज आई, लेंथ ऑफ दिस पर्सन इज 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर, दिस इज 0.2 मीटर, ये 0.2 मीटर है, तो ये कितना हो गया 1.8 मीटर। तो हमें ये बताना है कि मिरर का कौन सा पार्ट यूजफुल होगा जिसमें ये पूरी और कितनी लेंथ होगी उस मिरर की, उस पार्ट की जिसमें ये अपनी पूरी इमेज देख पाए। इसकी हाइट है 2 मीटर, हेड और आई के बीच में 0.2 मीटर और बाकी 1.8 मीटर। तो कैसे पता चलेगा, मतलब हमें जो है रेज जो जाएंगी, यहां से जो रेज जाएगी वो अगर आई में पहुंच जाए तो ये पार्ट विजिबल हो जाएगा। जैसे मान लो फुट देखने हैं, फुट देखने हैं तो अब इसका मिड पॉइंट हो गया ये, तो ये रे अगर ऐसे जाएगी यहां से तो ऐसे गई तो फुट दिख जाएगा इसको। अच्छा, ये वाला पार्ट कैसे दिखेगा, ये यहां पे जाएगा और फिर आई में चला जाएगा तो ये वाला पार्ट दिख गया। ये पार्ट कैसे दिखेगा, यहां से जाएगा ऐसे फिर ये दिख जाएगा। आई कैसे दिखेगी, आई आई खुद से कैसे दिखेगी, आई में ऐसे गया और ऐसी वापस आ गई रे तो आई खुद से दिख गई। अब इसी तरह से हेड कैसे दिखेगा, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, ये रे जाएगी ऐसे और ये आई भी आ जाएगी तो हेड विजिबल हो गया। तो इस तरह से इसको ये विजिबल हो गया। अच्छा, इसको अब नंबर कर देते हैं, मान लो ये है एम, ये एन, ये ए, ये बी, या फिर इसको ए बी ले लो, ए बी सी, ये डी हो गया, ये एफ हो गया, ये जी हो गया। तो हमें ये बताना है, हमें क्या बताना है, कौन सा पार्ट है वो, पार्ट तो हो गया वो ए बी, ए बी इज दी पार्ट लेंथ, ए बी लेंथ बतानी है, वो ए बी लेंथ कितनी है और ये ए कहां से स्टार्ट हो रहा है ग्राउंड से, ये लेंथ भी बतानी है। इससे तो पोजीशन आ गई इसकी और कितनी लेंथ ऑफ मिरर चाहिए वो ए बी हो गया। ये दो चीज पूछी है कि भाई कहां पे पोजीशन होगी। अच्छा, ये जो डी है, ये मान लो डी था तो डी इंडिपेंडेंट ऑफ डी है, ये चीज मिरर यहां होता तो भी ऐसी ही रे बनती और इतना ही लेंथ ऑफ मिरर यूज होता और पोजीशन ऑफ कहां से स्टार्ट होती है उस मिरर की जो रिक्वायर्ड है ए से बी तक, ये यूजफुल है। दिस इज वी वॉन्ट, दिस इज यूजफुल पार्ट ऑफ मिरर विच इज रिक्वायर्ड टू व्यू फुल इमेज ऑफ अ पर्सन बाय हिमसेल्फ। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, अब ये अगर हम देखें 0.2 मीटर, ये 1.8 और ये, तो दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल बाय एंगल इक्वल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो आई दिस एंगल इक्वल टू दिस, साइड इक्वल टू साइड एंड अगेन दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इक्वल टू दिस, तो बाय ए एस ए एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, तो एफ डी इज इक्वल टू डी। सिमिलरली दिस ट्राइंगल बाय ए एस ए इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, तो एच एम इक्वल टू एम ई, तो यहां से क्या आ गया एम ई इज इक्वल टू डी ई, सॉरी एच एम, एम ई इज इक्वल टू एच एम, इज इक्वल टू एच एम एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड,
तो डीई एंड डीई इज इक्वल टू डीएफ, ये आ गया। और पूरा कितना है एमई प्लस, तो हम ये बोल सकते हैं ना दिस प्लस दिस कट वाइज एमई प्लस डीई, इसका अगर मैं ट्वाइस कर दूं तो एमई का ट्वाइस ये हो गया, डी का ट्वाइस ये हो गया, सारा इज इक्वल टू 2 मीटर। तो एमई प्लस डीई कितना आ गया, एमई प्लस डीई इज इक्वल टू आ गया 2 मीटर, कर लो ना इसको 2 मीटर, दिस इज इक्वल टू 1 मीटर। तो एमई प्लस डीई दिस इज इक्वल टू 1 मीटर एंड दिस इज इक्वल टू एमई प्लस डीई दिस इज इक्वल टू बी ए या ए बी एंड दिस इज वी रिक्वायर दिस इज लेंथ ऑफ मिरर। लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड इज ए बी, ए बी आ गया मेरा 1 मीटर, तो ये हो गया एमई प्लस डीई इज 1 मीटर, तो ये लेंथ तो आ गई। अच्छा अब पोजिशन इसकी कहां से स्टार्ट हो रही है, ग्राउंड से, दिस इज ग्राउंड, तो ग्राउंड से ये ए से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हमें जीए भी चाहिए। तो जीए कितना आ गया, जीए इज इक्वल टू, जीए कितना है इक्वल टू एडी, और एडी कितना है एडी प्लस डीई, देखो एडी प्लस डीई कितना है, दिस इज इक्वल टू 1.8 मीटर, फिगर से पता चल रहा है। तो एडी कितना हुआ, एडी इज इक्वल टू 1.8 माइनस डीई, और डीई कितना है सॉरी एडी प्लस डी, एडी प्लस डी एडी इज हाफ ऑफ, एडी कितना है डीई का हाफ है, एडी इज डीई का हाफ, तो यहां पुट करेंगे कितना आ गया एडी, एडी कहां से आ गया यार, डीएफ प्लस डीई इज 1 मीटर ना, सॉरी डीई प्लस डीएफ इज 1.8, तो हमें क्या चाहिए डीएफ चाहिए, तो डीएफ इज इक्वल टू 1.8/2 क्योंकि ये इक्वल टू ये है, तो डीएफ कितना हो गया 1.8 का हाफ, तो डीएफ इज 0.9 मीटर, 0.9 मीटर, तो ये 0.9 मीटर। तो पोजीशन भी आ गई कि मिरर कहां से स्टार्ट होगा 0.9 मीटर अबाव ग्राउंड। तो अब इसमें हमें क्या चाहिए, रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट ये मिला कि पर्सन को पूरी अपना देखने के लिए आई, ये जो ई वाई है, आई जितनी हाइट पर है ग्राउंड से आई, उसकी हाफ लेंथ से मिरर स्टार्ट होगा अबाउ ग्राउंड, एंड लेंथ ऑफ मिरर कितना होगा हाफ ऑफ दी हाइट ऑफ पर्सन। तो दो रिजल्ट हो गए ना, जो हाइट ऑफ पर्सन है उसका हाफ लेंथ लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड है, और पोजीशन क्या है वर्टिकल पोजीशन स्टार्टिंग ऑफ मिरर, वो है हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ हाफ ऑफ दी हाइट ऑफ आई फ्रॉम दिस ग्राउंड। तो ई एफ कितना है 1.8, तो इसका हाफ 0.9, तो 0.9 मीटर से स्टार्ट हो गए। अच्छा अब इस केस में कई बार क्या होता है कि 0.2 मीटर हाइट गिवन होती है पर्सन की, लेकिन ये आई और हेड के बारे में कुछ नहीं बताया, बस ये बोल देते हैं कि 2 मीटर है हाइट ऑफ पर्सन। उस केस में हम क्या डायग्राम बनाएंगे, हेड और आई को हम टॉप पे मान लेंगे, एक ही चीज है वो, यहां पर हेड आई यहीं पर है। तो उस केस में डायग्राम कैसे बनेगा पूरी इमेज व्यू करने के लिए, उसमें फिर ऐसे बन जाएगा, अब इसमें हेड आई एक ही जगह है, ये कुछ नहीं है, ये पर्सन है, हेड और आई हम टॉप पे मानेंगे, फिर कुछ नहीं दे रखा इसके बारे में अलग से, तो 2 मीटर है। तो अब ये फुट कैसे दिख पाएगा, इसको टॉप तक जानी चाहिए रिफ्लेक्ट होने के बाद रे, तो ये यहां पर अगर हम करें तो ये ऐसे जाएगी और ऐसे आई में जाएगी, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया, इसको मान लो मैं डी मान लेता हूं, दिस इज डी, तो क्या बन गया ये, दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट टू दिस बाय एंगल इक्वल टू एंगल, साइड इक्वल टू साइड एंड एंगल इक्वल टू ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्वाइस ऑफ डीएफ
इज इक्वल टू या डीएच ट्वाइस ऑफ डीएच इज इक्वल टू आई कैसे दिखेगी, ऐसे जाएगी स्ट्रेट और ऐसे ही वापस आ जाएगी, तो ट्वाइस ऑफ डीएच इज इक्वल टू कितना हो गया 2 मीटर, क्योंकि दिस इक्वल टू दिस बाय कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो टू ट्वाइस ऑफ डीएच इज 2 मीटर, तो डीएच कितना आ गया 1 मीटर, 1 मीटर, तो डीएच क्या है इज इक्वल टू ये हमारा ए बी हो गया, इज इक्वल टू ए बी एंड दिस इज लेंथ ऑफ मिरर, तो ये रिजल्ट भी सेम ही आया। जब हेडर आई भी हमने एक ही मान लिया तो भी लेंथ ऑफ मिरर कितना रिक्वायर्ड है, लेंथ ऑफ मिरर कितना रिक्वायर्ड है टू व्यू हिज फुल इमेज इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन, अगेन वही रिजल्ट है जब हेड और आई हम अलग अलग कंसिडर कर रहे थे। अच्छा इस केस में मिरर स्टार कास्ट कितनी हाइट से हुआ, ए कितना मतलब ए कितना ऊपर है, जीए कितना है, जीए इज जीए कितना हो गया यहां पर जीए इज इक्वल टू डीएफ एंड डीएफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2 मीटर पूरी हाइट दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। तो यहां पे जब हेड और आई हमने सेम आ लिया तो मिरर स्टार्ट कहां से हो रहा है, वर्टिकल पोजीशनिंग क्या है मिरर की, हाफ ऑफ दी हाइट ऑफ द पर्सन, वही इस जहां पर भी हम सेम कह सकते हैं जो उस केस में था जहां पे आई ये है ना, तो आई की जो हाइट है उसका हाफ यहां पर भी सेम है, वो कितना है 2 बाय 2 1 मीटर। तो ये बस एक ही चीज में डिफरेंस है, जो हेड और आई अलग मानते हैं तो आई और ग्राउंड की जो हाइट है उसका हाफ वर्टिकल पोजीशन से स्टार्ट होगा उसका मिरर, और जब सेम है तब भी जो ये हाइट है उसके हाफ से स्टार्ट होगा, और जो लेंथ ऑफ मिरर है वो ऑलवेज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन। तो ये दोनों रिजल्ट लर्न होने चाहिए। अच्छा और क्वेश्चन क्या पूछते हैं इसमें कि भाई कौन सा पार्ट मिरर का यूजफुल है और कितनी लेंथ यूजफुल है टू व्यू फुल इमेज। अब इसमें दूसरी टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, उसमें पूछते हैं कि भाई ये मान लो मिरर है, ये मान लो 1 मीटर है और ये 2 मीटर फादर है, 1 मीटर दूरी पर है मिरर से, दिस इज 1 मीटर ये चाइल्ड है, ये फादर है 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर। तो फिर से वही क्वेश्चन, कौन सा पार्ट मिरर का यूजफुल है और उस पार्ट का कितनी लेंथ रिक्वायर्ड है मिनिमम टू व्यू इमेज ऑफ दिस चाइल्ड बाय हिज फादर विच इज 2 मीटर हु इज 2 मीटर हाई। तो इसको भी कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, 1 एंड 2 हाफ होना चाहिए ठीक है। तो यहां से रह गई मान लो ये रह गई और ये आइज में गई, तो ये फुट विजिबल हो गया फादर को। अच्छा और इसकी इमेज कहां बनेगी, इसकी जो इमेज है ये ऐसे गया और ऐसे फुट वैली हो गया, इसकी इमेज कहां है यहां 1 मीटर दूर, तो ये रे कहां से आती हुई दिखेगी यहां से, ये 1 मीटर, ये मान लो इसको नेम कर देते हैं, नेमिंग बाद में करेंगे, चलो ये ऐसे गया, इसकी इमेज कहां है ये 1 मीटर दूर, वन मीटर दूरी पे इमेज बनेगी, यहां पर इमेज है और ये रे यहां से जाती हुई दिखेगी आईज में, यहां से आती हुई दिखी ना और यहां से जाएगी ये गई और ये आईज में गई, इमेज यहां बनी। अच्छा इसको भी ज्वाइन कर दो, ये 1 मीटर दूर था, ये भी गिवन है 1 मीटर, तो हमें क्या निकालना है दिस ए बी लेंथ दिस वी रिक्वायर और ए कितना ऊपर है इससे, तो नेमिंग कर देता हूं, दिस इज
इसको मान लो सी, ये डी हो गया, ये अगर हम इसको भी ज्वाइन करने आगे तो ये ऐसे बन गया, दिस इज ई एफ एम एन पी, ये बन गए। तो अब इसमें हमें ए बी लेंथ रिक्वायर्ड है, ये मान लेते हैं एक्स है, ये मान लेते हैं वाई लेंथ है, पूरा तो है ही 2 मीटर। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एन एन डी पी, दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये भी 1 मीटर दूर बना है इमेज, तो क्या लिख सकते हैं, सीडी अपॉन एक्स, या एक्स अपॉन सीडी कर देते हैं, एक्स निकालना है ना हमें, एक्स अपॉन सीडी जो कि 1 मीटर है, दैट इज इक्वल टू दिस इज 2 मीटर एंड दिस इज 2 मीटर एंड दिस इज 3 मीटर, तो यहां से कितना आ गया, एक्स इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 2/3 मीटर, एक्स आ गया 2/3 मीटर। अच्छा, अब दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, क्योंकि एंगल एंगल तीनों एंगल इक्वल हो गए, दिस एंगल इक्वल टू दिस, ए सिमिलरिटी से, ये भी ए एंगल एंगल सिमिलरिटी से थे, तो अब इसमें दिस, अब इसमें वाई निकालना, तो वाई अपॉन कितना हो गया, 2 मीटर, दिस इज इक्वल टू वाई अपॉन दिस इज इक्वल टू ये एफ ई, एफ ई कितना है, ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, एफ ई इज 1 मीटर, एफ ई अपॉन वाई, एफ ई अपॉन, एक मिनट, वाई अपॉन 2 किया ना, तो ये 3 हो गया, 1/3, तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू 2/3, तो x आ गया 2/3, y आ गया 2/3, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू, टोटल 2 है, तो 2 - x + y, दैट इज इक्वल टू 2 - x, कितना है 2/3 + 2/3, तो कितना हो गया 2 - 4/3, दिस इज इक्वल टू 3, 6 - 4 = 2/3 मीटर, तो तीनों की लेंथ कितनी आ गई, ये भी 2/3 मीटर, ये भी 2/3, ये भी 2/3, तो लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड इज, आंसर क्या हो गया, 2/3 मीटर, और कहां से स्टार्ट होगा ये, ग्राउंड से कितनी हाइट पे, एक्स हाइट पे, और वो कितनी है 2/3, तो आंसर आ गया 2/3 अबाव एंड लेंथ ऑफ मिरर इज 2/3। तो स्टूडेंट्स, ने हमने क्या किया कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स की ज्योमेट्री का हमने यूज किया और लेंथ ऑफ मिरर निकाल लिया। अच्छा, अब ये हो गए केसेस वर्टिकल के केस में कि लेंथ ऑफ मिरर कितना रिक्वायर्ड है, हॉरिजॉन्टल में भी तो मिरर हो सकता है ना, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक सवाल करते हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल वाला केस लेते हैं, उसमें लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड कितना होगा, जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, टॉप व्यू बता रहा हूं, ये है मिरर, सपोज ये मिरर है और पीछे वॉल है और देखने वाला यहां है, तो देखने वाला ये पूरा मिरर है, तो अब लेंथ ऑफ मिरर बतानी है कितनी होगी कि वो वॉल पूरी देख पाए। अब वॉल कैसे है, ये वॉल है, दिस इज एल मीटर, एल मीटर जो है वॉल है, अब वॉल देखनी है और ये कितना है डी, मिरर टॉप व्यू दे रहा हूं, तो मिरर और वॉल के बीच का डिस्टेंस कितना है डी, पर्सन की आईज है ये यहां पर है, यहां पर है, ये है d/2 दूरी पे, ठीक है, दिस इज d/2, दिस इज d/2, ये आई है, मिरर में पूरी लेंथ ऑफ वॉल देखना चाहते आई को दिखनी चाहिए, तो कितना लेंथ ऑफ मिरर एंड व्हाट पार्ट ऑफ मिरर, कितनी ये वाला पार्ट, ये और उसकी लेंथ, कौन सा पार्ट और क्या लेंथ और मिरर की रिक्वायर होगी टू व्यू फुल लेंथ ऑफ द वॉल इन मिरर, तो कब दिखेगी स्टूडेंट्स, यहां से ये जाएगी ऐसे इंसिडेंट और ये आई में आनी चाहिए, ये मान लो ऐसे रह गई तो ये आई में आनी चाहिए ना, तभी तो ये वाला पार्ट दिखेगा, तो अब ये अगर मैं इसको ऐसे करूं, इसी तरह से ये वाला पार्ट कब दिखेगा,
ये जब यहां से आई पे आएगी, ये आई ई है तो ये ऐसे आएगी रे, ऐसे आई ना, इसको मैं ऐसे कर देता हूं। नंबरिंग ये ए बी लेंथ हमें ये फाइंड करनी है, यहां से रे गई आईज में पहुंची, यहां से रे गई आईज में पहुंची, तो ये हमें पूरी बॉल दिख जाएगी। तो ये मान लो है सी डी, ये है के, ये है एल, ये है पी, ये है एम या एम एन मान लो, एम एन। अब हम देखें तो हमारा आंसर क्या है, ए बी, ए बी इज इक्वल टू एम एन, तो एम एन हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो ट्राइंगल दिस इज सिमिलर टू दिस, तो हम क्या लिख सकते हैं, एमई अपॉन के सी, एमई अपॉन के सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन ए सी, ये लिख सकते हैं। अच्छा अब ये d बाय टू क्या है, ए एम, ए एम इज d बाय टू, ए एम और ए सी डी है, तो एमई कितना हो, एमई कितना हो गया, एमई इज इक्वल टू इंटू के सी हो जाएगा, d से d कैंसिल, दैट इज इक्वल टू के सी बाय टू, तो एमई कितना आ गया, के सी का हाफ। तो के सी को क्या लिख सकता हूं मैं, के सी इज इक्वल टू टू एमई। अच्छा ठीक, अब दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, इस केस में दिस एन ई अपॉन डी एल या डी डी एल, चलो डी एल इज इक्वल टू डी बाय टू अपॉन डी, क्योंकि दिस अपॉन पूरा, तो डी कैंसिल हो गया, यहां से कितना आया, डी एल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एन ई। अब ये जो एल लेंथ है ये किसके बराबर है, के सी प्लस सी डी प्लस डी एल इज इक्वल टू एल लेंथ। अब ये के सी किसके इक्वल है, के सी देखो के सी है ट्वाइस ऑफ एमबी, सी डी किसके इक्वल है, एमई प्लस एनई, डी एल किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एमई। यहां से अगर हम देखें तो ये आ गया थ्री एमई प्लस एनई इज इक्वल टू एल, एमई प्लस एनई किसके इक्वल है, एबी के, दिस इज इक्वल टू एबी, दिस इंप्लाइज दैट एबी इज इक्वल टू एल बाय थ्री, यही हमें चाहिए था। लेंथ ऑफ मिरर कौन सा हुआ, दिस और ये आ गया एल बाय थ्री, एबी इज एल बाय थ्री, लेंथ ऑफ मिरर मिल गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इसको कर सकते हैं। अच्छा और क्या करेंगे, और क्वेश्चन देखते हैं कैसे, हॉरिजॉन्टल वाला, सपोज ये मिरर है, हमें मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर बताना है रिक्वायर्ड, सो डैट ये हमारी आईज है, मान लो पर्सन है यहां सामने, ये आईज है और ये ईयर है, फेस होता है ना, फेस है यहां पे, ये आईज है, आईज और ये ईयर है, ये ईयर, तो पूरा फेस हो गया, दिस इज ईयर ऑफ द पर्सन, दिस आर आईज ऑफ द पर्सन, दिस इज ईयर। हमें मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर बताना है टू व्यू फुल फेस बाय दिस पर्सन, अपने आप इसको अपना पूरा फेस देख रहा है, तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर बताना है। तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कैसे निकालेंगे, अगर ये वाली आई इसको देखेगी ऐसे जाके ये रे पहुंचेगी, और ये वाली आई इस ईयर को देखेगी ऐसे जाके पहुंचेगी, तो ये लेंथ ऑफ मिरर ज्यादा होगा बनिस्बत कि इसको ये वाली आई देखे और इस ईयर को ये वाली आई देखे, क्योंकि फिर ऐसे जाएगा ना, तो लेंथ ऑफ मिरर कम रिक्वायर्ड होगा।
तो ये वाली ईयर को, ये वाली जो ईयर है इसको ये वाली आई देखे तब सही रहेगा, मतलब जो मिरर की लेंथ है वो कम आएगी। तो ये ऐसे गया, तो ये मान लो सेंटर हो गया, इसका सेंटर कौन सा होगा, ये। तो यहां पर ये रे ऐसे जाएगी, दिस इज नॉर्मल, ये रे गई और ये ऐसे आ गई, ये गई और ये ऐसे आ गई। हमें ए बी निकालना है, मान लो इसी तरह से। अच्छा, इसमें जो ये हमें गिवन था, एक आई और ईयर के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है, कितना है, एल नॉट, एल वन जो है ये हमें गिवन है। अच्छा, तो इसी तरह से ये आई और ये ईयर, अब यहां से जो रे जाएगी वो ये देख रही है, तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये। तो ये जो लेंथ आई ए बी, ये मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड है, यही निकालनी है कि ए बी की लेंथ कितनी होगी। ये एल वन गिवन है, तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं ये गिवन है, ठीक है, इसको लिख लो ये गिवन है। लेट डिस्टेंस बिटवीन आईज, इज इक्वल टू, ये जो सेपरेशन है इसको मैं मान लेता हूं एल नॉट, अपनी तरफ से ये मान लो एल नॉट है, दिस इज एल नॉट, एंड दिस नॉर्मल एंड दिस आई के बीच में ये जो है ये मैं मान लेता हूं सपोज लेट वाई, इसी तरह से ये आई और इसके बीच में क्या हो जाएगा वाई, दिस इज वाई। तो मैं बोल सकता हूं ये वाई और ये आई थी, ये एल नॉट है। तो देखो दिस ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, तो दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, ये लेंथ कितनी है, ये पूरा ईयर से डिस्टेंस एल वन है, तो ये लेंथ कितनी हुई, एल वन माइनस, बिकॉज दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ, तो ये लेंथ कितनी है, एल वन माइनस वाई इज इक्वल टू दिस लेंथ, दिस लेंथ इज एल नॉट प्लस वाई। सिमिलरली यहां हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू एल वन ग्रेटर देन एल नॉट है, बिकॉज ये ज्यादा दूर है, ये गिवन है क्वेश्चन में कि ईयर का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है आई के बीच में जो डिस्टेंस है, ये गिवन था। तो एल वन कितना हो जाएगा, ये वाई इधर चला गया ना, तो एल वन माइनस एल नॉट अपॉन टू, ये वाई आ गया। तो अब ए बी किसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू जो हमें चाहिए वो है वाई, टू वाई प्लस एल नॉट। अब वाई हम निकाल चुके हैं, एल वन माइनस एल नॉट बाई टू और प्लस एल नॉट, तो टू से टू कैंसिल हो गया, तो एल वन माइनस एल नॉट प्लस एल नॉट ये भी कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, एल वन। जो ईयर और लेफ्ट आई के बीच में था, या जो राइट आई और ईयर के बीच में जो डिस्टेंस गिवन था वो एल वन, उतनी लेंथ का मिरर रिक्वायर्ड है, तो आंसर आ गया एल वन। एल वन लेंथ ऑफ मिरर इज रिक्वायर्ड टू व्यू फुल फेस ऑफ द पर्सन बाय हिमसेल्फ। तो ये हॉरिजॉन्टल, लास्ट जो दो क्वेश्चन किए हमने वो हॉरिजॉन्टल के केस में कर लिए, और जो पहले दो क्वेश्चन थे वो वर्टिकल बना के कर लिए। तो दोनों क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, और वो कहां पर सिचुएटेड होगी, वो भी थोड़ा और गिवन होगा तो हम ये बता सकते हैं कि यहां से इतनी दूर है। तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू व्यू फुल फेस और फुल वॉल और पर्सन हिमसेल्फ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो वो हम लेंथ ऑफ मिरर हमने निकालना सीखा है बाय कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की मदद से।